पर्यावरण प्रति और जागरूक होते हुए इस साल राज्य सरकार ने एक ही दिन 2 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है और इसी अभियान का एक अहम हिस्सा बनते हुए खारगर हिल पर स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आसाम एसोसिएशन ऑफ मुंबई, ONGC रिटायर्ड एसोसिएशन जैसी करीब 6 संस्थाओं के सहयोग से संपूर्ण खारगर हिल पर 2000 से भी अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया। जहां इस अवसर पर स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म की अध्यक्षा अनिसा शेख, वन विभाग अधिकारी MD जादव सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संस्था के नागरिक उपस्थित थे। पिछले 18 वर्षों से स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म की अध्यक्षा एवं समाज सेविका अनिसा शेख के नेतृत्व में स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म द्वारा खारगर हिल की हरियाली पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि विशेष रूप से उसका संवर्धन करने का काम भी किया जा रहा है और उनके ही परिश्रम और मेहनत का यह नतीजा है कि आज बरसों पहले बंजर पड़ा खारगर हिल पर्यटन स्थल के तौर पर सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्यासाठी जो डिपार्टमेंटने आणि मनगुटीवार साहेब यांच्या आदेशानुसार ही 2 कोटी वृक्ष लागवड ऑल महाराष्ट्रामध्ये करण्यात येणार आहे, तर आपल्या ह्या एरियामध्ये 2000 वृक्ष लागवड आज केलेली आहे। आसाम असोसिएशन आणि अजून 2 अनुभूती असोसिएशन अशा करून लागवड केलेली आहे। या मॅडमनी आम्हाला सहकार्य पूर्ण करता ती इथं ज्यावेळेस काही लागवडीच्या संदर्भामध्ये आणि कुठं काय अडचण असेल तर हे मॅडम आम्हाला सहकार्य करता ती लागवडी संदर्भामध्ये दुसरं काय प्रॉब्लेम आलं तर ते मॅडम आम्हाला सहकार्य करता ती। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए ONGC रिटायर्ड एसोसिएशन के डॉक्टर ज्योतिर्मय दास ने वन विभाग और स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म संस्था द्वारा दिए गए सहकार्य पर खुशी जताई। हमारे एक मिशन था कि अगर यहाँ भी प्लांट हम सबके साथ जुड़ के करके एक हरियाली कर सके तो शायद हम जहाँ एक नया मकान बनाया आसाम से आके अभी उस जगह के प्रति कुछ तो हम काम किया और हमें उसका आनंद मिलेगा। हमें जो इन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सब मिलकर हमको जो सुविधा दिया उसके हम आभारी हैं। तो वहीं किसी ने कविता कहकर तो किसी ने अपने अंदाज में पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। चला 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 भारत भूला सजऊ चला वृक्षारोपण करू चला लावनिया सुबा भुळीला दुष्ट चक्र हे हटवू चला 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 वृक्षारोपण करू चला वृक्षांना त्या पाणी देऊनी वृक्षांना त्या पाणी देऊनी वृक्षारोपण करू चला वृक्षांचे ते महत्व आता भारत भूला पटवू चला 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 वृक्षारोपण करू चला। वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी हे लक्षात घेऊन हे स्तोत्र लक्षात घेऊन आपल्याला प्रत्येक मानवाने आपल्या जीवनामध्ये येऊन एक तरी झाड लावलं पाहिजे। आपण आपल्या आयुष्यामध्ये येऊन धनसंपत्ती घर दार दागदागिने हे सगळी संपत्ती आपण गोळा करत असतो ते आपण आपल्या उदरनिर्वाहासाठी करतो पण आपल्याला ही सृष्टी किती देते ते आपल्याकडून काय मागते तर फक्त एक झाड मागते आणि ते तुम्ही सगळ्यांनी लावावे आणि आपण सृष्टीचे काहीतरी देणेकरी आहोत ते आपण देऊन आपलं कर्तव्य पूर्ण करावं हे माझी मनापासून इच्छा आहे। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा मिले प्रतिसाद पर संतुष्टि जताते हुए स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म की अध्यक्षा अनिसा शेख ने सभी को पौधे लगाने के साथ साथ उनके संवर्धन पर जोर देने का आह्वान किया। यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और वैसे हम लोगों ने 18 साल से हमने वृक्ष संवर्धन के लिए काम किया है। 18 सालों से हमारी संस्था काम करती है और ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं इनका रखवालदार होना चाहिए, रखवाली करनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है उसको हम संगोपन करते हैं वैसे वृक्षों को संगोपन करना बहुत जद्दोजहद से बड़ा काम है
और ये काम अगर हमने कुशलता से किए तो आने वाली जो प्रॉब्लम से अभी पानी की प्रॉब्लम आई थी, जल्दी बारिश नहीं आ रही थी, तो हमारा पर्यावरण जीरो पॉइंट पे था। अभी अगर हमने कोशिश की, अच्छी पहल किए, तो हम बेशक बाग बाग हो जाएंगे। हम ये संवर्धन होगा तो मेरा हरियाला देश होगा और हम बाग बाग हो जाएंगे और हर तरह से सर्वांगीण विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV समाचार।